स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स चैनल्स आप लोग के लिए स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 के तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया है, दैट इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ऐसा नहीं है, डोंट वरी, कि सिर्फ तीन क्वेश्चन ही देंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपको दूसरे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। प्लीज मूव टू इंट्रोडक्शन वीडियो, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर? आपको स्टैटिस्टिक्स वीडियो का इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग सारे सम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 वो सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, मतलब इस तरह से सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में खोने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। सी, अगर हमें कुछ सीखना है तो आपको समय देना होगा और ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी, देन ओनली देन आप लोग कुछ सीख सकते हैं। और अच्छे से सीखना है, सिर्फ समझने की, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हमको सॉल्व करना है इसलिए देख लेते हैं, सॉल्व करने के हिसाब से नहीं, उसको समझिए और सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 14.1 है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन मीन है, आप लोग को भी पता है मीन के ऊपर, और मैंने मीन का सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था। फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार कि मीन क्या है। सो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, क्लियर, और मीन है एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी छोटे से छोटी संख्या से लेके बड़े से बड़े नंबर तक की सबका एवरेज, दैट इज मीन। क्लियर? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स, और मोस्ट प्रोबेबली देखो जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कॉमर्स लाइन में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मली कोई भी एनालिटिकल कंपनी है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा, दैट इज मीन फाइंड करना या वॉट एवर, इज बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो हम लोग पहले देख लें मेथड्स ऑफ मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एज्यूम मीन मेथड के अंदर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक्स बार स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर? सो देखो एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, एज्यूम मीन, दैट इज पहले से आपने सोच के रखा है एज्यूम मीन क्या है, उसके भी कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, फिर भी आपको कवर कर रहा है। डी आई इज डेविएशन, मतलब कितना डिफरेंस है जो आपने मीन सोचा है वो और हमारी एक्स आई की वैल्यू में। देन स्टेप डेविएशन के अंदर एच इज क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करोगे तो क्लास साइज मिल जाएगी, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यू आई दैट इज एक्स आई माइनस ए, यानी जो आपका डी आई है वो अपॉन एच करोगे तो आपको दैट इज यू आई मिल जाएगा, दैट इज स्टेप डेविएशन। यू आई क्या है, स्टेप डेविएशन, डी आई डेविएशन है। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऑलरेडी मैं ये सब कुछ समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, देन टू आप लोग को लगता है, इसीलिए मैंने आपको जस्ट ये रिव्यू दिया है कि क्या होता है मीन के अंदर। अब हम लोग एक्सरसाइज की वन बाई वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड कहाँ परफेक्ट फिट होता है। क्लियर? डायरेक्ट मेथड जो है वो हमेशा स्मॉल नंबर्स, अगर छोटे छोटे नंबर्स हैं तो उनके लिए डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट रहता है। एज्यूम इन मेथड जहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े हो और डिफरेंस अलग अलग हो, जिनका रेंज का डिफरेंस जो होता है वो मैं बताऊंगा किस तरह से वो यूज कर सकते हो। और स्टेप डेविएशन इज द इजीएस्ट मेथड, और मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी कर देता है क्योंकि उसके अंदर स्टेप डेविएशन जो है जीरो से लेके माइनस वन माइनस टू या वन टू थ्री इस तरह से रहते हैं, सो ईजी हो जाता है। नाउ सबसे पहले हम लोग हमारे क्वेश्चन वन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 14.1, दैट इज अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स जो है कितने प्लांट किए गए हर एक हाउस के अंदर, मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। क्लियर? सो आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है, दैट इज जीरो टू नंबर ऑफ हाउसेस 1, 2 और 4 प्लांट्स तो 2 हाउसेस,
4 to 6 plants, 1 houses, 6 to 8 plants, 5 houses, 8 to 10 house, 6 plants, 6 houses, 10 to 12 plants, 2 houses, 12 to 14 plants, 3 houses. Clear? Which method will you use for finding the mean? देखो, यहाँ पे पूछा है कौन सा method use करोगे और क्यों? तो सबसे पहले बता दूँ, numbers बहुत छोटे हैं. 1 to 1 means most probably 10 numbers तक के digit में. So we will be going with direct method, क्योंकि direct method easily solve हो सकता है जिसके अंदर numbers छोटे हो. तो सबसे पहले हम लोग उसको arrange कर देते हैं. इस तरह से आपको 2 columns बनाने हैं और उसके अंदर हर एक number को proper way में arrange कर दो. उसके बाद sum of frequency means sigma fi, sum of frequency आपको find करना है, that is 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 5 9 plus 6 15 plus 2 17 plus 3 20. तो आपका sigma fi ready हो गया, number of plants. अब इसके बाद आपको क्या करना है, xi find करना पड़ेगा. xi क्या होता है, upper limit plus lower limit divided by 2 means 0 plus 2 divided by 2, that is 1, 2 plus 4 6, 6 divided by 2, that is 3, 4 plus 6 10 divided by 2 5, 7 9 11 13. इस तरह से आपको करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको fi और xi दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39. क्लियर? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ये पूरा जो सिग्मा fi xi है उन सब का सम करना है, मींस सिग्मा fi xi, दैट इज हमने यहां पे टोटलिंग किया तो हमारा आंसर आया 162. क्लियर है? अब हमारे पास सारा डेटा मिल गया है. डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या था अभी आपको बताया नहीं? पता? अरे डायरेक्ट मेथड का फार्मूला अभी जस्ट बताया मैंने, दैट इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. क्लियर? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दोनों वैल्यू हमारे पास है 162 अपॉन 20. सो ये आ गया x बार इक्वल्स टू 162 अपॉन 20. डिवीजन करेंगे तो x बार इक्वल्स टू 8.1, यानी हमारा मीन हमको मिल चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, दैट इज x बार यानी मीन इक्वल्स टू 8.1. समझ में आया? इजी है. देखो ये था डायरेक्ट मेथड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. देखो नहीं समझ में आता है, बार बार देखो, धीमे से देखो, आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप सीख भी जाओगे करते करते. सो डोंट वरी, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन को समझो, उसके अंदर वैल्यूज कैसी है उसको देखो और उसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है वो ध्यान रखो. तो आपके लिए बहुत इजी. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे इजी वे में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. देखो डेली वेजेस मतलब सैलरी, उनकी कितनी मिलती है डेली रुपीस पूरे प्रति एक दिन में कितने मिलते हैं और कितने वर्कर्स है 50. मींस आपको इनका एडिशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली 50 वर्कर्स दे दिए हैं, मींस इसका सम 50 होगा. कैलकुलेट करके देख लो, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50. यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एडिशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब यहाँ पे आपको फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड. अब इन्होंने बोला है कि अप्रोप्रिएट मेथड आप खुद चूज कर ले, और ऑब्वियसली बात है वो लोग नहीं बताते हैं. तो आप कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? देखो मैं अभी सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड बता चुका हूं, तो आई विल प्रीफर स्टेप डेविएशन सॉरी एज्यूम मीन मेथड, क्योंकि वो सेकंड मेथड है तो वो भी आपको आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस, 2 कॉलम बना लो, सारे डेटा को अरेंज कर लो. हमने अरेंज कर लिया, अब टोटल करने की जरूरत तो नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. 50 हो गया. अब इसके बाद क्या है, क्या करें भाई, फाइंड करना है भाई, फाइंड करो. कैसे करें? तो देखो सबसे पहले आपका नेक्स्ट कॉलम आता है xi का. याद रखो कौन सा कॉलम आएगा, xi. xi यानी क्लास मार्क. क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी xi सपोज 100 प्लस 120 दैट इज 220 डिवाइड बाय 2 मींस 110. क्लियर? सो ये हो गया. देन 120 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 दैट इज 130, 150, 170 एंड 190. देखो मैंने a इक्वल्स टू 150 लिया है क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं तो उसमें से आपको जो xi, ये चीज याद रखें हमेशा, कोई भी एज्यूम कर रहे हो मीन तो
तो वो हमेशा xi में से लेना है. तो यहां पे मैंने xi a equals to 150 को मैंने assumed mean method में ले लिया है, that is assumed mean a ले लिया हमने. ठीक है, next step क्या है assumed mean के अंदर? assumed mean के अंदर next step is finding deviation, that is di. di कैसे find करते हैं? xi minus a, clear? suppose 110 minus 150, that is minus 40, 130 minus 150, that is 120. तो इस तरह से आपको मिल जाएगा di. so 110 minus 150 minus 40, 130 minus 150, that is minus 20, 150 minus 150, that is 0, 170 minus 150, that is 20, 190 minus 150, that is 40. आपका di ready हो गया. देखो अब आपको क्या करना है, fi xi दोनों का मल्टीप्लिकेशन. देखो इससे मत कर देना, xi चाहे बीच में हो बट डोंट मल्टीप्लाई. अगर कोशिश ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला ब्लॉक बनाने के तुरंत बाद xi वाला ब्लॉक बना दो, ताकि मल्टीप्लिकेशन आप fi से नहीं करोगे, यानी गलती से xi से ना हो जाए, आपका fi से ही हो. क्लियर, समझ में आ गया? सो नाउ fi into di करना है. so 12 into minus 40, that is minus 480, 14 into minus 20, that is minus 280, 8 into 0, 0, 6 into 20, that is 120, 10 into 40, that is 400. अब इन सब का टोटल देखो, माइनस नंबर्स हैं प्लस नंबर्स हैं, दोनों का टोटल करो. सो आपको मिलता है माइनस 140. सी एडिशन का ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस साइन में बहुत कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, बट आप लोग गलती नहीं करेंगे. आपको आंसर लाना है माइनस, मतलब आंसर आपका आएगा प्रॉपर एक्यूरेट, दैट इज माइनस 240. अब फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला इससे पहले आपने देखा ही था. तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ए आपका क्या है? 150. सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज माइनस 240. सिग्मा एफ आई दैट इज 50. सब कुछ वैल्यू है, जस्ट पुट दिस वैल्यू. हमने वो सारी वैल्यूज रख दी. अब डिवीजन करना है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया. 24 डिवाइड बाई 5, दैट इज कितना होता है? 4.8 यार. सो 150 माइनस 4.8 यानी हो गया हमारा 145.2. देयरफॉर मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर इज 145.2. समझ में आया? देखो मैंने फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से बताया, सेकंड एज्यूम इन मेथड. अब कौन सा मेथड बाकी है? कौन सा गैस? स्टेप डेविएशन मेथड. तो हम लोग ट्राई करें थर्ड क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से, ताकि तीनों मेथड्स आपको दिमाग में फिट हो जाए किस तरह से करने चाहिए. क्लियर है? हिचकिचाहट तो नहीं हो रही, घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़े और सॉल्व करें, डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर? सी अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ. शांति से क्वेश्चन थ्री पढ़े. देन देखो अब क्वेश्चन थ्री के अंदर हम लोग स्टेप डेविएशन यूज नहीं करने वाले. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है. तो स्टेप डेविएशन का मेथड हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, डोंट वरी. क्वेश्चन जो होगा वही करेंगे ना नेक्स्ट, ऐसा जरूरी तो है नहीं. सो क्वेश्चन थ्री, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज रुपीज 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब आपको x बार दे दिया है, दैट इज मिसिंग मीन दे दिया है, दैट इज 18. और आपको बोला है कि ये जो डेटा है, दैट इज 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, जिसके अंदर 7, 6, 9, 13 और f 5, 4. तो आपको f फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. क्लियर? सो कैसे करेंगे? ओह नो यार, ये तो सोचा ही नहीं था. इजी है, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन. इतना ज़्यादा चिंता सोचने की बात नहीं है. आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, जस्ट इजी. पहले तो आप जो करते हो एज इट इज कर दो. हमने दो कॉलम्स बनाए, दोनों डेटाज को अरेंज कर दिया. अब एफ आई का एडिशन आप करोगे. सी एफ है, प्लस में है, तो आपको प्लस एफ लिखना है. बाकी सबका एडिशन कर दो. 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 दैट इज 35, 35 प्लस 5 That is 40, 40 plus 4, 44f. So 44 plus f आपका आ गया. Next step क्या है? xi. Clear? So xi क्या है? Upper limit plus lower limit divided by 2, this is 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Clear?
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो xi मिल गया, अब हम लोग जाएंगे नॉर्मली अगर स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं तो हम लोग ui फाइंड करेंगे। ui क्या होता है, दैट इज जो भी आपने a लिया है उसके आगे जीरो रख दो, एज्यूमिंग के आगे आपने जीरो रखना है, तो मैंने 20 अगर एज्यूमिंग लिया है तो उसके आगे वाले कॉलम में दैट इज जीरो रख दिया, देन उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 और उसके नीचे 1 2, सिंपल, बहुत इजी। जस्ट इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि स्टेप डेविएशन, क्योंकि उसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कोई डिवीड कुछ नहीं, डायरेक्ट ए के आगे जीरो रखो, ऊपर माइनस वाले नंबर नीचे प्लस वाले नंबर। अब आपको मल्टीप्लाई करना है एफ आई और यू आई का, क्लियर। सो एफ आई यू आई इक्वल्स टू 7 -4 दैट इज 28, देखो माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7 इंटू -4 दैट इज -28, 6 -3 दैट इज -18, 9 -2 -18, 13 -1 दैट इज -13, एफ इंटू 0 सो 0। देखो कोशिश यही करना है कि आप मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले ब्लॉक के आगे 0 लिखो, नो डाउट किसी और में भी रखोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ए भी यही लेना है, ए भी कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, बट ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने एक को ए लिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के आगे जीरो रख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नाउ 5 1 5, 4 2 8, नाउ इन सबका टोटल करो, सो टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -64, आप भी ट्राई कर सकते हैं एडिशन करके, सो आंसर इज -64। अब हमारे पास ए है सिग्मा एफ आई यू आई, डी आई नहीं है, सिग्मा एफ आई यू आई है, गलती से भाई मिस्टेक हो गई, क्लियर, गलती से मिस्टेक हो सकती है ना, सो डोंट वरी, यू कैन चेंज सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई। सो हमारा फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारा क्या है -64, सो यहाँ पे लिखो एक्स बार दिया हुआ था 18, ए इक्वल्स टू 20 -64 इंटू 2 अपॉन 44 प्लस एफ, अब 18 है और 22, तो 20 को मैं पहले सबसे पहले इस तरफ ले आऊं, तो -2 इक्वल्स टू -128 अपॉन 44 प्लस एफ, 64 इंटू 2 दैट इज -28, ये 44 प्लस एफ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो -88 -2f इक्वल्स टू -128, देन -2f ये -18 इस तरफ आ गया, सो -40, सो f इक्वल्स टू 20, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। समझ में आया, आपने डायरेक्ट मेथड देखा, सेकेंड एज्यूमिंग मेथड देखा, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड देखा, जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से सारे वीडियोस देखें, समझे, कोशिश करें, और मीनवाइल कोई पेपर सॉल्यूशन कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डाउटफुल है, तो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, आप कमेंट कहीं पे भी करो, जरूरी नहीं कि इसी वीडियो में, बट जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आपको लगे कि नहीं स्टैटिस्टिक्स का चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स का डाउट है, जस्ट प्लेस अ कमेंट कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, तो मैं उसका सॉल्यूशन गारंटीड कोशिश करूंगा आपको दे सकूं, और वो भी वीडियो के थ्रू, क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग हर एक डाउट का सॉल्यूशन करना हमारा है, मीन्स एम है कि डिजिटल मैथ्स चैनल पे अगर आप आते हो तो आपका हर एक डाउट सॉल्व हो, क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें, और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो और वो भी कुछ सीख सके। थैंक यू।